क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर फिल्म एक्ट्रेस उर्वशी रतौला एक बार फिर सुर्खियों में है। ऋषभ पंत की सेहत पर उर्वशी ने जो बयान दिया है उसे लेकर फैंस उनकी तारीफ किए नहीं थक रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर जब लाल रंग की ड्रेस में जब उर्वशी को स्पॉट किया गया और पंत की सेहत से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उर्वशी ने कहा, पंत देश की धरोहर हैं, देश को उन पर गर्व है, उनके साथ हमारी दुआ है। उर्वशी और पंत के रिलेशन की सुर्खियां तब बनी थी जब उर्वशी ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आरपी मुझसे मिलने आए थे, वे कई घंटे तक उन्होंने इंतजार किया और मैं उनसे नहीं मिल पाई। न्यू दिल्ली में काफ़ी मतलब आई वॉज शूटिंग फुल डे एंड द नाइट को ही आई केम एंड क्विकली आई हैड टू गेट रेडी बिकॉज आपको पता है लड़कियों को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगता है लड़कों से ज़्यादा। सो मिस्टर आप ही केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वॉन्टेड टू मीट। 10 घंटे हो गए एंड आई वॉज सो टायर्ड कि मैं सो गई। इतनी बार मुझे कॉल आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि लाइक यू नो कॉल आ रहा है एंड ऑल। हू इज मिस्टर आरपी? आई विल नॉट टेक द नेम। ओके, आई विल नॉट टेक द नेम। हालांकि उर्वशी ने खुलकर नाम नहीं बताया लेकिन आरपी कहने के बाद सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा कि उर्वशी ऋषभ पंत को लेकर जिक्र कर रही थी। तभी से दोनों के बीच सोशल मीडिया पर कड़वाहट बढ़ने लगी। ऐसा नहीं, उस रेस्टोरेंट के सुबह मुंबई आओगे तब हम मिलेंगे। उर्वशी के इंटरव्यू में दिए बयान के बाद ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा पीछा छोड़ो बहन। हालांकि इतना लिखने के बाद ऋषभ ने ये पोस्ट तुरंत डिलीट कर दिया लेकिन तब तक ये बात फैल चुकी थी। उर्वशी ने भी ऋषभ पंत के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए, मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाऊंगी, वो भी कीडो डार्लिंग तेरे लिए, रक्षाबंधन मुबारक हो आरपी छोटू भैया। किसी शांत लड़की का फायदा उठाना नहीं चाहिए। हालांकि तकरार के बाद उर्वशी दुबई में एशिया कप मैच देखने भी पहुंची थी। शुभमन, आजकल उर्वशी और पंत के बीच रिलेशनशिप का विवाद चर्चा में तब आया जब भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में राज खोले। शुभमन गिल ने कहा था कि ऋषभ पंत का उर्वशी से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद अपने आप को छुड़वा रहे हैं। शुभमन, आजकल ऋषभ पंत नू एक एक्ट्रेस दे नाल तो बहुत छेड़िया जा रहा है ना, तो उन्हां नू टीम दे विच भी छेड़दे कि उसे बाहर ही उन्हां नू छेड़दे इस गल्ल? नहीं, ओ आपे ही छुड़वाई जा रही है। ओदा कोई मतलब ऋषभ ना कोई है नहीं। हाँ। ओ आपे ही मतलब ओ कह रही है कि मतलब कुछ ना कुछ करके कि मैनू छेड़ो। हाँ। तो ऋषभ डिस्ट्रैक्ट हुंदे? नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पैंदा क्योंकि उन्हें पता। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रतौला का नाम सिर्फ क्रिकेटर ऋषभ पंत से ही नहीं जुड़ा, इससे पहले उर्वशी का नाम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से भी जुड़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी क्रिकेटर पांड्या से गौतम सिंघानिया की पार्टी में मिली थी, दोनों की यही दोस्ती हुई और फिर इनके डेटिंग की खबरें भी आने लगी। हालांकि हार्दिक और उर्वशी का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और इनके बीच सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो गया। बाद में हार्दिक ने एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविच से शादी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रतौला ऋषभ पंत की वजह से चर्चा में थी लेकिन अब वो पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह को लेकर भी सुर्खियों में आई हैं। उर्वशी ने हाल ही में पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम के इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और लिखा, जन्मदिन मुबारक हो नसीम शाह। नसीम ने भी लिखा, बहुत शुक्रिया। दोनों का नाम इसलिए भी जुड़ रहा है क्योंकि एशिया कप में उर्वशी पहुंची थी और नसीम शाह का वीडियो भी अपने इंस्टा पर शेयर कर दिया था। उर्वशी रतौला बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती के लिए तो जानी जाती हैं, इसके साथ ही वो इंडस्ट्री में बेहतरीन डांस के लिए भी जानी जाती हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि उर्वशी एक ट्रेंड डांसर हैं, जो एक वर्सेटाइल डांसर के रूप में जानी जाती हैं। एक्टिंग के साथ उनकी डांस स्किल लोगों को खूब लुभाती है। उर्वशी ने एक या दो नहीं बल्कि कई डांस फॉर्म में ट्रेनिंग ली है, वो जैज, हिप हॉप और बेली डांस में माहिर हैं। उर्वशी रतौला न सिर्फ अपने ग्लैमर और स्टाइल के लिए फैंस के बीच हमेशा चर्चा में रहती हैं, बल्कि इस बार जिस बात का जिक्र हो रहा है वो उनकी भारी भरकम फीस है।
दरअसल उर्वशी ने महज 3 मिनट के एक आइटम सॉन्ग के लिए 2 करोड़ रुपए की बम्पर फीस चार्ज की है। उर्वशी साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी के साथ फिल्म वाल्टेयर विराया में एक आइटम सॉन्ग बॉस पार्टी में धमाल करती दिखी है। इसके लिए उर्वशी ने 3 मिनट के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस ली है। एक्ट्रेस उर्वशी सिर्फ एक बेहतरीन डांसर नहीं है बल्कि कथक में भी उन्हें महारत हासिल है। उर्वशी का कथक डांस तब सामने आया जब वो जयपुर घराने में कथक डांस करती हुई दिखाई दी। ब्लू ड्रेस में खूबसूरत दिख रही उर्वशी ने अपने कथक डांस से सबका दिल जीत लिया। इस कथक डांस को उर्वशी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। कथक के इस वीडियो को महज 11 दिन में 10 करोड़ लोगों ने देखा था। उर्वशी रतौला अभी हाल ही में तब सुर्खियों में बनी थी जब साउथ की सुपरहिट फिल्म कांतारा फिल्म के हीरो ऋषभ शेट्टी के साथ स्पॉट किया गया उन्हें। दोनों की फोटो जमकर वायरल हुई। खबर ये भी आई कि कांतारा 2 में उर्वशी फिल्म में दिख सकती हैं, लेकिन जल्द ही इस अफवाह पर ब्रेक लगा दी गई। कांतारा फिल्म के प्रोडक्शन हाउस ने क्लियर किया कि उर्वशी को लेकर फिल्म में काम करने को लेकर कोई बात नहीं हुई है, ये अफवाह है। उर्वशी अचानक से उसी जगह मौजूद थी जहां ऋषभ शेट्टी थे। उर्वशी ने ही फोटो ली और उसे कांतारा 2 लोडिंग कैप्शन देकर पोस्ट कर दिया, जिससे लोगों में गलतफहमी पैदा हुई। उर्वशी फिल्म का हिस्सा नहीं है। उर्वशी रतौला का जन्म उत्तराखंड के कोटद्वार में 25 फरवरी 1994 को हुआ था। उर्वशी ने अपनी स्कूलिंग कोटद्वार से ही पूरी की। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उर्वशी ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी स्कूल ऑफ फिल्म एंड एक्टिंग टैलेंट्स में एक्टिंग का डिप्लोमा लिया है। स्कूल के दिनों से ही उर्वशी को मॉडलिंग का शौक था। उर्वशी के पिता मानव सिंह बिजनेसमैन हैं, वहीं उर्वशी की माँ मीरा एक सफल बिजनेस वुमन है। उर्वशी का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम यश रतौला है। उर्वशी को मॉडलिंग का शौक बचपन से ही था। यही जुनून था कि उर्वशी ने साल 2012 में ही मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया था, लेकिन उनकी उम्र कंपटीशन के हिसाब से कम थी। इसके बाद 2015 में उन्होंने फिर से ये खिताब जीता और मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया। उर्वशी को 2011 में मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया जा चुका है। इसके साथ ही उर्वशी ने मिस एशियन सुपर मॉडल का खिताब भी अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स बनने और एक्टिंग में कदम रखने के बाद उर्वशी रतौला को यकीन नहीं था कि एक दिन वो मिस यूनिवर्स कंपटीशन में जज के तौर पर भी नजर आएंगी। साल 2021 में उर्वशी को मिस यूनिवर्स कंपटीशन के लिए जज के तौर पर बुलाया गया, जो भारत के लिए दुनिया में गर्व की बात थी। उर्वशी ने जजेस की ज्यूरी में शामिल होने के लिए मोटी फीस मिली थी। उर्वशी को इसके लिए $1.2 मिलियन मिले, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से उन्हें इस काम के लिए 8 करोड़ रुपए मिले थे, जो एक बड़ी रकम थी। अभी तक करियर में उर्वशी ने फिल्मों के लिए भी इतने रुपए नहीं चार्ज किए हैं। उर्वशी का फिल्मी करियर मॉडलिंग से शुरू हुआ। उर्वशी के फिल्मी करियर की शुरुआत एक्शन रोमांस बेस्ड फिल्म सिंह साहब द ग्रेट से हुई। इस फिल्म से उर्वशी ने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उर्वशी सनी देओल की पत्नी की भूमिका में नजर आई थी। इसके बाद उर्वशी बॉलीवुड रैपर हनी सिंह के वीडियो एल्बम लव डोज में दिखाई दी। उर्वशी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उर्वशी की हिट फिल्मों में सनम रे, ग्रेट ग्रैंड मस्ती, हिट स्टोरी 4, पागलपंती, वर्जिन भानुप्रिया फिल्में शामिल हैं। उर्वशी की सबसे ज्यादा बॉन्डिंग उनकी माँ के साथ है। उर्वशी जितनी खूबसूरत और स्टाइलिश हैं, उससे कहीं ज्यादा ग्लैमरस उनकी माँ मीरा सिंह भी हैं। उर्वशी और उनकी माँ मीरा जब भी साथ होती हैं, तो बहनों की तरह दिखती हैं। दोनों एक दूसरे जितनी ग्लैमरस और खूबसूरत हैं। मीरा अपने हर लुक से बेटी उर्वशी को टक्कर देती हैं। उर्वशी की तरह मीरा भी घूमने फिरने की शौकीन है। वो हर आउटफिट में कंफर्ट फील करती हैं और अपने फैशन सेंस से बेटी को टक्कर भी देती हैं। उर्वशी में अपनी माँ के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर
ग्लैमरस फोटो शेयर करती रहती हैं। उर्वशी रतौला की खूबसूरती के कई लोग दीवाने हैं। बॉलीवुड के अलावा वो मॉडलिंग में भी धमाल मचा चुकी हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये पता होगा कि उर्वशी एक खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उर्वशी रतौला का पहला प्यार बास्केटबॉल है। उर्वशी अपनी रियल लाइफ में नेशनल लेवल बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। वो बास्केटबॉल में उत्तराखंड का कई प्लेटफॉर्म पर प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, उर्वशी बास्केटबॉल के अलावा कई और खेल भी खेल चुकी हैं। उनकी बास्केटबॉल, खो खो और कबड्डी में भी दिलचस्पी रही है। उर्वशी रतौला बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में से हैं जिन्होंने मॉडलिंग के बाद फिल्मों में कदम रखा। वो काफी फिटनेस फ्रीक हैं। उर्वशी को वर्कआउट करना और हेल्दी खाना खाना काफी पसंद है, इसलिए वो लंबे समय से अपने आप को मेंटेन किए हुई हैं। मसल्स को टोन करने के लिए वो प्रोटीन युक्त फूड का सेवन करती हैं। इसके अलावा वो फाइबर वाली सब्जियों का सेवन भी काफी करती हैं, जिससे डाइजेशन सही रखने, फूड को डाइजेस्ट करने और पेट को भरा रखने में मदद मिलती है। दिन में 3 बार वो हेल्दी डाइट लेकर फिट रहती हैं। ये सब लोग जानना चाहते हैं कि उर्वशी आखिर कितनी दौलत की मालकिन है और वो एक फिल्म के लिए कितना पैसा चार्ज करती हैं। तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। उर्वशी रतौला करोड़ों की दौलत की मालकिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्वशी रतौला की कुल संपत्ति $30 मिलियन यानी करीब 238 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उनकी मंथली इनकम 45 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है। उनके पास मुंबई में करोड़ों का आलीशान मकान है और कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां भी उनके पास मौजूद हैं। उर्वशी की कारों की लिस्ट में मर्सिडीज, रेंज रोवर और फेरारी शामिल हैं। बताया जाता है कि एक म्यूजिक वीडियो के लिए वो 35 से 40 लाख रुपए चार्ज करती हैं, वहीं एक फिल्म के लिए वो 3 करोड़ रुपए तक फीस लेती हैं। उर्वशी की इंस्टाग्राम पर भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। वो अक्सर अपने फैंस से बातचीत भी करती हैं। इसे लेकर उनके फैंस भी काफी उत्साहित रहती हैं। वो अक्सर खुद से जुड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर डालती हैं। वहीं वो कई बार लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी चीजें भी सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। बताया जाता है कि उर्वशी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने का 3.5 करोड़ रुपए लेती हैं। उर्वशी सोशल रिच लिस्ट 2022 की सूची में टॉप 5 में आती हैं। उन्होंने सलमान खान, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह और MS धोनी जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया है। जिस वक्त देश कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहा था, उस वक्त उर्वशी मदद के लिए सामने आई। 2021 में उर्वशी रतौला ने कोरोना वायरस के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया। उन्होंने उत्तराखंड में 47 जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे थे। बता दें कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। उर्वशी के फाउंडेशन की तरफ से ही सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे।